आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आप। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आएगी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को परसेंटेज के मुताबिक हम आपसे वादा करते हैं। देखिए सब लोग आपके वादे पे यहाँ है, आप भी बताइए क्या बताना चाहे बाकी वोट की बात। यहाँ का एक एक बशर आजाद साहब के बाद मरने के लिए असद में भाजपा की हुकूमत थी और तबाही और बर्बादी मचाई, क्या आपको कोई फायदा मिला? और जो यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यहाँ का एमपी था आजाद साहब विक्रमा जी, उसने कभी यहाँ इस सरजमीन किश्तवाड़ या चुनाव वैली में पाँव नहीं रखा, ये बड़े अफसोस की बात। और आपसे मैं गुजारिश करूंगा आप हर दो तीन महीने के बाद हमारे इलाकों में आके गरीबों की हालत को जरूर देखेंगे। इसके साथ साथ उनका इलेक्शन पे लड़ रहे हैं लेकिन इन्होंने हमारे साथ सरासर झूठ बोला, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। वायदा किया था इन्होंने कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहां गई वो 2 करोड़ नौकरियां? उन्होंने वायदे किए थे कि कालाधन इकट्ठा करके 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में जमा करेंगे, कहां जमा हुए किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया? बच्चा दी वो पहली क्लास तो 12वीं क्लास तक सारी तालीम मुफ्त होगी, कोई फीस देने की लोड़ नहीं। तीजा जेड़ा अस्पताल विच जेड़ा इलाज होएगा किसे का भी इलाज दवाई वगैरह ये सारी मुफ्त होगी, लेकिन शर्त हुई है कांग्रेस की सरकार बनानी है।